हेलो बच्चों, आज जो है डिमोबियस थ्योरम को जो है प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन जो ऐसे है, स्टेट एंड प्रूफ डिमोबियस थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स का पावर 5 + 1 = 0, इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते, स्टेट दिया हुआ है तो हमने इसका स्टेटमेंट लिखा। इफ एन बी एनी इंटीजर, एन जो है आपको कोई इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ओके। तो ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है स्टेट, तो स्टेटमेंट इसका हम दे देते हैं। देन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर एन बराबर कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ओके। अब यहाँ से अगर इफ एन बी फ्रैक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, यदि फ्रैक्शन में हो तो देन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर एन। फ्रैक्शन में भी होगा तो आपको ऐसा ही होगा, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि इंटीजर में भी होगा तो फिर भी आपको ऐसा ही फॉलो करेगा। तो आप देखिए, इसमें केस फर्स्ट है, प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं। वेन जब एन इज पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव की बात करते हैं अभी, तो यहाँ पर जो है कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन ले लिए, फिर इनटू में कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू लिए। अब इसको जो हमने गुना किया, आप इसको सिंपल गुना करेंगे तो इसको इससे गुना कर दिया, फिर इस चीज़ को हमने इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, ठीक है। तो गुना करने के बाद हमने इतना लिखा, तो ये आपको समझ में आया गुना कैसे किए? तो ये और ये गुना हुआ तो यहाँ, फिर आपको यहाँ, फिर यहाँ है, फिर ये देखिए यहाँ तक ये आ चुका है, ओके। ये लास्ट वाला टर्म है, आयोटा से आयोटा फिर गुना हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये लास्ट टर्म है। ये लास्ट और ये फर्स्ट वाला टर्म को हमने एक साथ कर लिया, और ये आयोटा वाला जो टर्म था वो आयोटा वाले टर्म में आयोटा कॉमन लेने के बाद हमने उसको एक साथ किया। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये, प्लस आयोटा यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो हमने लगा दिया, आयोटा है तो आयोटा रहेगा ये। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या किया, अगेन दोबारा हम इसमें काम करते हैं, एक बढ़ा दिया, बोले तो थीटा टू तक चले थे तो थीटा थ्री तक चल रहे। तो ये इसका तो मान निकाल चुके हैं इतना, तो इतना लिख दिए। इसका मान अब निकालेंगे, ये इतना लिखे हुए हैं। अब इसको भी ऐसा ही गुना करना है, इसको इससे गुना करिए, फिर आपको इससे, फिर इसको इससे, फिर आपको इससे गुना करिए। तो गुना किया, गुना करने के बाद इतना लिखा, फिर आपको इस चीज़ को हमने इससे गुना किया तो यहाँ लिखा, इसको गुना किया तो हमने यहाँ लिख दिया, और इस लास्ट वाले टर्म को इससे गुना जो कर रहे तो ये माइनस के साथ यहाँ आ चुका है। ये माइनस कैसे आ जाता है? तो ये आयोटा से आयोटा गुना होता है तो आयोटा स्क्वायर हो जाता है, जिससे माइनस आ जाता है, ओके। तो चलिए हमने ये वाले टर्म को और ये लास्ट वाले टर्म को एक साथ कर लिए, फिर ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में आयोटा कॉमन लेने के बाद हमने इतना लिख दिया। तो ये फॉर्मूला हो चुका है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आयोटा तो इसमें कॉमन है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? तो नेक्स्ट आपको इसमें लिख सकते हैं कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री। ये कैसे हो गया भाई? तो ये आपको इसलिए हो गया कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी ए की जगह पर थीटा वन प्लस थीटा टू, बी के जगह पर थीटा थ्री, और यहाँ पर भी आपको ऐसा ही हुआ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए के जगह पर थीटा वन प्लस थीटा टू, बी के जगह पर आपको थीटा थ्री, इतना आ चुका है। अब सिमिलरली वी हैव फोर एन फैक्टर। अगर अब हम क्या करते हैं, एन फैक्टर्स के लिए निकालते हैं, ओके। ये तो आपको थीटा थ्री तक था ना, अब थीटा थ्री नहीं, आपको थीटा एन, बोले तो आपको एन फैक्टर्स के लिए निकालते हैं। देखिए कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, डॉट 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 कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन टर्म्स तक निकालते हैं। तो ये तो आपको इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा एन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। देखिए ये हम तो कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू है, अभी हमने जो निकाला, क्या निकाले अभी देखिए, थीटा थ्री तक जो निकाले हुए हैं, तो जितना भी हमने अभी तोड़ा, जितना भी तोड़ा सब में आता आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इतना है, फिर आपको थीटा एन तक, मतलब एन टर्म्स तक चलेंगे तो डॉट डॉट आपको एन तक चलेंगे, तो थीटा वन थीटा टू प्लस डॉट 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 थीटा एन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू थीटा थ्री डॉट डॉट थीटा एन। इसके अनुसार हमको समझ में आ रहा है कि कॉस ए प्लस बी होगा प्लस आयोटा साइन ए प्लस बी होगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट निकाल कर कहाँ तक देखे थे, तीन तक देखे थे निकाल कर,
ओके okay? अब जब तीन तक देखे थे तो हमारे पास यही आ रहा है, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री प्लस में आ रहा है। अब एन टर्म्स तक निकालेंगे तो आपको थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री डॉट डॉट थीटा एन तक आएगा। ओके फिर इसमें आगे हमने क्या किया, पुट थीटा वन बराबर थीटा टू बराबर डॉट डॉट थीटा एन बराबर थीटा, मतलब जहाँ आपको थीटा वन थीटा टू हो जाए या थीटा एन हो जाए उसके जगह पर थीटा पुट कर देते हैं। तो अभी जो हम निकाले थे तो क्या निकाले थे, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री डॉट डॉट थीटा एन, फिर प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री डॉट डॉट थीटा एन, तो सबके जगह पर जो हमने थीटा पुट कर दिया, तो थीटा पुट करने के बाद ऐसा दिख रहा है। ओके तो ऐसा जब दिखेगा तो क्या होगा, तो ऐसा दिखेगा तो होगा कुछ नहीं, यहाँ पर आपको जो है फिर बराबर के बाद आ जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट डॉट थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास था थीटा वन थीटा टू, मतलब सबके जगह पर हमने थीटा पुट किया, थीटा एन के जगह पर भी थीटा हमने रख दिया। तो रखने के बाद हमारा क्या आएगा, ये देखिए, इतना आप इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर एन। तो ये कैसे लिख सकते भाई, तो देखिए आपको ये कै गो, ए गो दो गो तीन गो डॉट 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 एन टर्म्स तक है, मतलब एन टर्म्स तक इसका मल्टीप्लाई है, इसीलिए इसका होल पावर एन लिख सकते हैं बराबर। अब देखिए यहाँ पर कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ये कैसे हो गया, तो देखिए आपको थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट 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 थीटा बोले तो कितना मतलब थीटा आएगा, मतलब एन टर्म्स तक आएगा, तो एन थीटा प्लस आयोटा साइन इसमें भी आपको थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितना आएगा एन टर्म्स तक, इसीलिए प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो ये तो हमारा इतना प्रूव्ड हुआ। ओके लेकिन आप इसमें और भी प्रूव्ड करना है, वो प्रूव्ड क्या करना है कि जब नेगेटिव टर्म्स हो, ये तो पॉजिटिव है, अब नेगेटिव के लिए, तो चलिए नेगेटिव इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, लेट हमने मान लिया एन बराबर माइनस एम वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीजर, एम जो है आपको क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, हमने इतना माना अभी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर एन बराबर आपको क्या लिख दिया माइनस एम, मतलब इसके जगह पर एन के जगह पर माइनस एम रख दिया। ओके नेक्स्ट इसमें क्या किया, इसको नीचे लिया है तो वन बट्टे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर एम हो जाएगा। अब इसमें जो परिमेयकरण कर दिया, यहाँ पे आपको प्लस में था तो इसमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा साइन एम थीटा हो जाएगा, फिर बट्टा में भी वही हो जाएगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको हो चुका है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर, मतलब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपको ए स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये तो वन हो चुका हमारे पास, ऊपर वाला टर्म इतना आ चुका है। इसमें हमने क्या किया, एम एम देखिए यहाँ पर माइनस आ चुका है अचानक, कैसे, तो हमने इसमें माइनस लिख दिया, क्यों लिख दिया, देखिए कॉस में जब एंगल में माइनस होता है ना, तो कॉस में एंगल में जो माइनस होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन साइन के एंगल में जो माइनस होता है वो माइनस बाहर आ जाता है, इसलिए इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये माइनस एम थीटा है। ओके तो हमने एन बराबर माइनस एम माना था, तो इसके लिए एम माइनस एम की जगह पर एन रख दिया, माइनस एम की जगह पर एन रख दिया, वापस से हमारा यही आ चुका है, मतलब इसे साबित हुआ को आपको निगेटिव में भी हो तो वापस से हमारा यही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये आपको केस टू था, अब इसमें केस थर्ड देखते क्या है, वो एन इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए देखते हैं। तो एन मान लिया एन बराबर पी बाई क्यू, वेन क्यू बराबर पॉजिटिव, बोले तो क्यू जो है आपको पॉजिटिव इंटीजर है और पी एनी इंटीजर है, क्या है आपको पॉजिटिव इंटीजर है और ये आपको भी पॉजिटिव ही इंटीजर है, लेकिन ये आपको प्लस माइनस दोनों हो सकता है, मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए आपको ऐसा टर्म आगे हमने लिख दिया, आपको नहीं समझ में आएगा, ध्यान से आप देखिए इसे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि समझ में नहीं आया। देखिए एन बराबर पी बट्टा क्यू हमने माना था, ओके जहाँ Q जो है आपको पॉजिटिव इंटीजर है और P जो था आपको इज द वो भी इंटीजर था, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए cos थीटा बाई पी प्लस आयोटा साइन थीटा बाई पी का होल पावर Q लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हमने क्या किया, इतना तो लिखा लेकिन cos Q इंटू थीटा बाई क्यू ये कैसे हो गया, तो देखिए ये आपको एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अभी फॉर्मूला ये प्रूफ कर चुके हैं पॉजिटिव में, तो इतना आपको इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो गया। तो चलिए ये आपको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ चुका है, या फिर इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर इस इतना बराबर लिख सकते हैं। ओके टेकिंग क्यूवेथ रूट ऑन बोथ साइड, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं क्यूवेथ रूट, तो हमने इसमें लगा दिया क्यूवेथ रूट लगाएंगे तो वन बट्टा क्यू बराबर हम आ गया आपको कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू का, आपको इसका क्यू तो हो ही जाएगा लेकिन वन बाई क्यू भी ऊपर आ जाएगा, ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद हमारा जो है ये आपको सिर्फ बच जाएगा
थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू, ये तो इतना बराबर हमारा इतना आ चुका है। अब रेजिंग पीएथ पावर, अब पीएथ के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वन बाई क्यू है, तभी को पी बाई क्यू आ जाएगा बराबर कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू बड़ा। इसका तो देखिए ये तो ये कैंसिल हो चुका था हमारे पास, तो यही बचा हुआ था, इसका होल पावर पी आ गया। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको इसके एंगल में आ जाएगा, तो ये आपको पी बाई क्यू इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन पी बाई क्यू इंटू थीटा। अब देखिए हैंड्स हमारे पास, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपको गुना करेंगे तो पी थीटा बाई क्यू हो जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर एन हैव कॉस्ट एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, मतलब आप जो है इसको फ्रैक्शन में भी तोड़िएगा, रेशनल में भी तोड़िएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वापस से हमारा यही आ जाएगा। ओके, तो यही हमको आज प्रूव करना था, इसे ही डी मोबियस थ्योरम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।